बीकानेर रेंज आईजी ऑफिस की ओर से संभाग के चारों जिलों के बालिका विद्यालयों में पुलिस पब्लिक पंचायत आयोजित की गई है। पंचायत में बीकानेर रेंज पुलिस द्वारा विकसित पुलिस पब्लिक पंचायत मोबाइल ऐप की भी जानकारी दी गई। आईजी ओम प्रकाश ने कहा कि इस ऐप के माध्यम से बालिकाएं गुमनाम रूप से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान बिना किसी डर या संकोच के हो सकेगा। बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिले में करीब 100 बालिका विद्यालयों में पुलिस पब्लिक पंचायत हुई, जिसमें 15,000 से ज्यादा बालिकाओं ने शिरकत की। पंचायत का मुख्य उद्देश्य बेटियों को उनके अधिकार, शिक्षा, महिला सुरक्षा और साइबर अपराधों से बचाव के बारे में जागरूक करना था। इस दौरान A1 TV संवाददाता KK सिंह रेंज IG बीकानेर ओम प्रकाश से खास बातचीत की। बीकानेर के रेंज IG ओम प्रकाश नवाचारों के लिए हमेशा ही जाने जाते रहे हैं। अगर हम बात करें तो बीकानेर में पुलिस पब्लिक पंचायत, यानी ये कहा जा सकता पूरे बीकानेर संभाग के चारों जिलों में आयोजित की गई। लगभग सरकार की 100 स्कूलों में, खासतौर पर बालिका स्कूलों में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कही जा सकती है कि पंचायत को एक तरह से पुलिस पंचायत और पब्लिक, ये तीनों ही अटेंड कर रहे हैं और खास तौर पर भागीदारी जो निभा रही है वो स्कूल की बच्चियां हैं। बात करते हैं जैसा कि आप सबों को पता है कि 11 तारीख अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और इस साल जो इसका थॉट है वो है कि आने वाले समय में बालिकाओं का दृष्टिकोण। और हमने आज 100 से ज्यादा जो बालिका उच्च विद्यालय है या महाविद्यालय है वहाँ पर लगभग 15,000 बच्चियों ने भाग लिया और उसमें 2500 पौधे जो डम्स के जो होते हैं, सहजन के पौधे होते हैं, उनका रोपण किया गया है और लगभग 75,000 उनके बीजों का वितरण किया गया है। सर, बीकानेर संभाग की अगर बात करें तो कितनी जो स्कूलें हैं जो संभाग की, उनमें उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? उसके अलावा और बात करें हम तो पुलिस पब्लिक पंचायत, तो कहाँ इसमें क्या क्या कोऑर्डिनेशन बना? आपको ध्यान होगा सरकार की प्राथमिकताओं में एक प्राथमिकता है कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध एवं बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों को रोकना, और इसी क्रम में जो प्रिवेंटिव एक्शंस है वो तो हम ले ही रहे हैं, अवेयरनेस भी कर रहे हैं कि बच्चों को जो पॉक्सो एक्ट की जो धाराएं हैं उन संबंध में इनको जागृत करें, उनको बताएं कि उनमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, गुड टच बैड टच भी समझाते हैं। और इसके साथ ही अगर कोई भी उनको प्रताड़ित करता है या मान लो बच्चियां कोचिंग के लिए जाती हैं, स्कूल में जाती हैं, कोई ऐसे तत्व है जो असामाजिक तत्व है जो उसमें बाधा डालते हैं, इसकी सूचना पुलिस को दो। यार पुलिस बार बार जब उनके साथ मिलेगी, उनसे बातें करेगी, तो मुझे लगता है उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और समाज का एक संपूर्ण जो दायरा है जिसमें कि सबों को साथ लेके चलने की बात है वो साकार हो पाएगा। लेकिन बात करें हम पुलिस पब्लिक पंचायत की, तो ये एक तरह से बिल्कुल नवाचार है, हालांकि आप कुछ समय से बीकानेर में कर रहे हैं। इस नवाचार को मानते हुए किस तरह से इसमें इंटरेक्शन रहा होगा और ये कैसे विचार आपके मन में इस तरह का आया? पुलिस पब्लिक पंचायत इस दृष्टिकोण से शुरू किया गया था जो पुलिस और पब्लिक के बीच में जो संवादहीनता की स्थिति ना रहे और संवाद कायम रहे। और हमने देखा है कि ज्यादातर बच्चे ड्रग्स के चंगुल में आने की संभावना है और बच्चियों के साथ संवाद नहीं होता। इसी को लेकर के हमने कहा कि एक जो वृक्षारोपण की धारणा को लेकर के बच्चियों के पास पहुंचे तो पुलिस से संबंधित चीजें हैं उनको बताई गई और उनके साथ संवाद स्थापित किया गया जो आने वाले समय में कोई भी ऐसा क्राइम होगा उसको रोकने में मदद करेगा। तो देखिए बीकानेर में पुलिस पब्लिक पंचायत पूरे संभाग के चारों जिलों में 100 से भी ज्यादा स्कूलों पर आयोजित किया गया, खास तौर पर बालिकाओं को इसमें पार्टिसिपेशन का एक तरह से जोड़ने का प्रयास किया गया और उम्मीद ये की जा रही है कि बालिका दिवस के अवसर पर ये एक तरह से अनूठा प्रयास है।